हमारे जैन मंदिर के सामने कुछ समाज के लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जो कि नगर पालिका की करोड़ों रुपए की ज़मीन है जिस पर नाजायज़ कब्जा किया जा रहा है। ये फैसिलिटी एरिया की ज़मीन है, हमारे समाज के लोग इधर से आते जाते रास्ता बंद हो जाएगा और करीबन सब समाज के लोग आते जाते रहते हैं, हमारे समाज में बहुत दिक्कत आ जाएगी। मंदिर के सामने है इसलिए इसको अति शीघ्र रुकवाने की कृपा करें। हमने सुरेश जी टाक को भी यह अनुरोध किया है, इसके अलावा चेयरमैन साहब को श्रीमान सीताराम जी साहू व उपसभापति राजू जी बाहेती को भी हम देने जा रहे हैं, आयुक्त साहब को भी यह देने जा रहे हैं। कृपया इसको अतिरिक्त अति शीघ्र रुकवाने की कृपा करें। मेरा नाम पदम जैन है, मैं इस हाउसिंग बोर्ड दिगंबर जैन मंदिर का मंत्री हूँ। ये नगर पालिका की ज़मीन खाली पड़ी है यहाँ काफ़ी दिनों से, तो इस पर कल रात से सिंधी समाज के सदस्यों को मिलके नियु खुदा के अतिक्रमण करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आज शनिवार और कल इतवार दो दिन छुट्टी है, तो छुट्टी का फ़ायदा उठा के ये लोग ये अपने यहाँ कब्जा करना चाह रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। इस पर सामने पूरे किशनगढ़ में जो फितरती हो गई कि अतिक्रमण करना लोगों की मानसिकता हो गई है, ये तो प्रशासन की उदासीनता है। प्रशासन की अगर सतर्क होता प्रशासन तो ये काम होता ही नहीं, प्रशासन की उदासीनता के कारण चलते ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। मेन मिलीभगत लगती है आपको? अब ये हम तो कैसे कह सकते हैं कि मिलीभगत किसकी है, पर ये है कि समाज के पूरे समाज ही पूरा लगा हुआ है, सिंधी समाज पूरा लगा हुआ है। जैन समाज का मंदिर सामने वो रास्ता बंद हो रहा है, जैन समाज का मंदिर है, पूरा आम रास्ता है इसके सामने बंद हो रहा है पूरा। इसकी शिकायत हमने विधायक श्रीमान सूर्य जी टाक को, आयुक्त साहब को अब देने जा रहे हैं, चेयरमैन साहब श्री सीताराम जी साहू को और सभापति एसडीएम साहब को, हम सबको कार्यवाही के लिए आयुक्त करने जा रहे हैं। हम सभी सदस्य इकट्ठे होके अभी जा रहे हैं सब जने, ये बिना मेरा नाम अजीत दोषी, अध्यक्ष महावीर दिगंबर जैन मंदिर हाउसिंग बोर्ड।